रउआ से विनती कर रहे बनी कि रउआ उनसे युद्ध मत करिया। हम आपसे वादा करत आनी कि कम से कम हमरा तरफ से कोनो पहल ना होई। शुक्र मनाई वरना आज ही शमशीर के जगह तहार सर होत। शुक्र मनाई कि हम जोधा बेगम के जबान देले रहनी और जबान हमरा के रोक लेलस। आपके शादी हो गई सुकन्या, शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के तोहफा दिहल जाला। वजेंद्र हम आपके आपके तोहफा में आपके वालिद साहब के जान बख्श देता नहीं। और सुकन्या हम आपके रतनपुर के किला तोहफा में देता नहीं और ये वादा कराता नहीं कि रतनपुर और धवलगढ़ महफूज रही। हम तो बस इनके ही याद दिलावे चाहत रहनी की केकरा से बात करता है। तोहफा कबो मांगल ना जाला, उनके छीनल ना जाला, ओके सच्चे मन से दिहल जाला। एक खातिर हम आपके सच्चे मन से रतनपुर के किला देता नहीं। ये दस्तावेज यू बात के सबूत को खत कायनात खत्म हो जाए लेकिन आपके सवाल ना खत्म हो जोधा बेगम। उसी का पूछे के बाप के हमके समझ ना आ रहा। जब रउआ रतनपुर के दुर्ग अचल सिंह के सौंप दे ले रहनी तब फिर ओके वापस काहे जीत लेना। ये बात के दो वजह बा जोधा बेगम। पहला ही कि अगर हम किला केहू के दबाव में आके देती सियासी तौर पे हमार शिकस्त होते और हम अपन शिकस्त बर्दाश्त ना कर सके। कहे कि अगर हमार शिकस्त भइल तो हमार बादशाहत कइल। और दूसरा वजह ई जोधा बेगम कि हम कबो केहू के चीज ना देवे जिकरा खातिर मेहनत ना कैले होके अपन बलबूते हासिल ना कैले होके। फिर चाहे वो जमीन होके किला होके दौलत होके या मोहब्बत। हमके तो लागत रहे कि रउआ केवल जीते में ही विश्वास रखेले, गवाए में ना। लफ्ज चाहे जौन होके, सोच चाहे जौन होके जोधा बेगम, लेकिन हकीकत ही है बा कि फतह भी गमावल जाला अपन मेहनत से, अपन खून अपन पसीना से। यदि वो दुर्ग रउआ इतना मेहनत से पहले रहले तो फिर ओके सुकन्या के काहे दे देला। एक तरह से वो किला हम सुकन्या के ना बल्कि वो रिश्ता के दहले बानी जौन हमारा आपके साथ बा, आमिर के साथ बा। वो किला आपके वालिद साहब, आपके खानदान अपन वफादारी से कमेले बा, इज्जत से कमेले बा, जौन आप हमरा के और हमारे खानदान के बख्शनी। और हम इन्हें की चाहत के लोग ही सोचे कि शहंशाह इज्जत के बदले इज्जत देवे ना जाने ला। इतना बड़ शहंशाह बानी रउआ, लोग रउआ के बारे में का सोचे ले, इसे रउआ के का अंतर पड़ेला। फर्क पड़ेला जोधा बेगम कि आप लोग हमरा बारे में का सोचे ले, लेकिन हमके ई बात से फर्क जरूर पड़ेला। अब एक बात हम आपके कहब जोधा बेगम, हम आपके उस सवाल के जवाब देव जो अभी तक आप हमसे कहनी ही ना कि हम कीर्तनपुर के किला इतना अजीज काहे बा। जोधा बेगम जब हम इतना से रहनी तो हमार वालिद मरहूम शहंशाह हुमायूं साहब हमके वो किला सौंप ले, वो किला के सबसे ऊंचा बुर्ज पे ले गई ले और वहां से हमके दुनिया के नजारा दिखाई ले। वो हमरा से कह ले कि जहां तक तहार नजर जात बा वो एक न एक दिन सब कुछ तहार होई। यदि ओ किला रउआ के इतना प्रिय बा तो सुकन्या के देहब काहे खातिर? ओ बात की भी दो वजह बा जोधा बेगम। पहला ये कि ओ किला के बुर्ज से जौन दिखले रहनी उसे कहीं ज्यादा हम हासिल कर चुकल बानी। दूसर वजह ई जोधा बेगम,
कि वो किला हम आमेर के शहजादी सुकन्या के ना बल्कि मुगल सल्तनत के बेगम के बहिन के देने पर। जवाब तो दे देनी आप शहिनशाह, लेकिन जोधा बेगम के सवाल भी वाजिब रहे। क्या आखिर काहे हमके इनकर कोनो भी बात से फर्क पड़ेगा? काहे जलाल के कारवा आमेर से आगरा खातिर रवाना हो चुकल रहे। उस समय मौसम के मिजाज पे इंसान के पकड़ कम रहे। सर्दी में तेज हवा के साथ तूफान आवे लागल। एकरा बारे में पहले से बता पाए मुश्किल रहे। और वो दिन तीखी सर्द हवा से भरल ऐसने एक दिन रहे। अदका साहब, हमके लागत बा कि आगे के सफर हमनी के लोग के सेहत खातिर ठीक ना होई। ये खातिर आज रात हम एजे रुकब। जे हुकुम शहनशाह, कारवा रोक दिया जाए। जाओर फैसला सही रहे हुजूर। जब तक ये तूफान ना रुके, हमनी के अपन आगे के सफर इजे रोक देवे के चाहिए। हमनी तो सिपाही बानी, ऐसा तूफान से दो चार होखत रहे नी। मगर काफी लगे शाही बेगम के लोग ये तूफान और ये ठंड बर्दाश्त ना कर पाई है। अग्गा साहब, मीर जबान से कहीं के अम्मी जान और बड़ अम्मी और सभी औरत के खेमा में वो चीज मुहैया कराई जाए जो जरूरी बा। सबके कमरा में आग, अंगीठी और लकड़ी होखे के चाहिए। इंतजाम हो जाए हुजूर, अब रहुआ आराम करी। हुजूर आला, जागी हुजूर आला। बदतमीज, हिमाकत कैसे कहले हमके जगावे के? ऐसन का तूफान आ गई कि तू हमार नींद खराब कर लियो। हुजूर आला, का फौरन चला और हम जैसन कहब वैसे नहीं करी हा। जलाल के पास अभी सिपाही भेजा।
हम रवा के पहले समझा चुकल बानी शहनशाह, मानत आनी कि हमनी पति पत्नी बानी, परंतु हमनी के बीच कोनो संबंध नहीं खे। रवा समझत का है ना, हम यही जे अकेला बानी और बाहर तूफानी हवा चल रहल बा। हमके आशा न रहे कि रवा परिस्थिति के ऐसा फायदा उठाए। शहनशाह जोधा बेगम आप गलत समझत आनी, हम तो बस आपके। रवा हमके कोनो स्पष्टीकरण मत दी शहनशाह, हम यहाँ केवल अम्मी जान के बात के मान रखे खातिर आयल बानी। उनके दिल की ठेस न पहुँचे यही से कक्ष में रवा के साथ अकेले बानी। एक अर्थ ही नहीं थे कि रवा जे चाहे वो करी, अपन मनमानी करी। हम अभी यहाँ से बाहर जा रहे बानी। ठहरी जोधा बेगम, जोधा बेगम बाहर ठंड बहुत बा, आप बीमार पड़ जाए। ये मौसम के मिजाज आपके तीखा तेवर से भी ज्यादा तीखा बा। बाहर के तूफान अंदर के तूफान से कम नहीं थे। हम सह लेब और एकर सामना भी कर लेब। जोधा बेगम आई अंदर चली। आपके गलत फहमी भैलवा, हमारा ऐसा कोनो इरादा ना रहे। अंदर चली। जोधा बेगम इतना ठंड में आपके सेहत खराब हो जाए, आप मुगल सल्तनत के बेगम बानी। आई अंदर। हम जानी ले हमारी जगह कहाँ बा, अब हमके रवा पे विश्वास नहीं है। तो ठीक बा जोधा बेगम, हम भी देखब कि आपके गुस्सा के आग कब तक आपकी ठंड से बचावेला। शब्बा खैर जोधा बेगम। अपन जिद के आगे केहू के बात ना सुने ली, अपन तबियत खराब कर लेनी। हम के मछुई ख्वाजा शेरा, बेगम के हालत अब कैसन बा? कोशिश कर रहल बानी मोती बाई, लेप खातिर ये बूटी ठीक से पीसिहा, बिल्कुल बारीक और महीन होके के चाहिए। का हम शहनशाह से अकेले में बात कर सके नी? ऐसन का बात बा जे के जलाल से अकेले में बात करे के बा हमके मालूम होके के चाहिए। बेशक ख्वाजा शेरा, हम सब के बेगम जोधा के सेहत के फिक्र बा। यहाँ मौजूद हर के हो बेगम जोधा के आपन बा। रउआ बेफिक्र होके सबके सामने बात कर सकेले, हमनी भी जाने चाहत बानी। बेशक, बाकी बात कुछ ऐसे ने बा कि हमके शहनशाह से अकेले में ही करे के पड़ी। कहीं का बात करे के बा आपके? हमरा जे वश में रहे हम कर चुकल बानी शहनशाह, मगर बेगम साहिबा के जिस्म ठंडा पड़ चुकल बा। कोनो हरकत ना बा, धड़कन मध्यम पड़ चुकल बा, दवाई अपन असर ना दिखा रहल। जोधा बेगम के जिंदगी बचावे के सिर्फ एक के रास्ता बा कि उनके होश लावल जाए, और एकरा खातिर उनके खून के गर्म होखा बेहद जरूरी है। अब इनकर मदद केवल इनकर शौहर यानी कि रउआ कर सकेले। इनकर शौहर होखला के नाते का करे के बा रउआ बेहतर समझेले। हमके इजाजत दी।
एक तरफ जोधा बेगम के जान के सवाल बा और दूसरी तरफ उनका दिहल गई जबान के। आखिर हम करी तो का करी। तो ई इलाज बतेलस ख्वाजा शिरा बेगम जोधा खातिर। रुआ तका, कोनो पीर फकीर खुद फरिश्ता आके भी हमरा सामने कहे ना कि जलाल के जोधा से मोहब्बत हो गई बा, तब वो हम यकीन न करब। रउआ हंस रहल बानी वजीरे आलिया, रुकैया बेगम के बदकिस्मती पर ना रेशम, हम बेगम रुकैया के बदकिस्मती पे ना, हम बेगम जोधा के बदकिस्मती पे कह कहा लगा रहल बानी। आई अदहम अम्मी जान, रउआ ए वक्त जाग रहल बानी पर सुन ले बानी कि जोधा बेगम के कुछ हो गइल बा। भइल ना बाद हम होके वाला बा। का बेगम जोधा ऊ खोवे वाला बानी जे हम चाहत रहनी कि खो दे। ऐसन का अम्मी जान, जलाल के बेगम जोधा में दिलचस्पी ना समझनी ना, कोनो बात ना, हम समझावत बानी अदहम। अदहम बच्चा तब तक खिलौना पावे खातिर बेकरार रहेला जब तक वो खिलौना ओकरा के मिल ना जाला। जब वो बच्चा के वो खिलौना मिल जावेला तब बस कुछ देर वो खिलौना से खेलला के बाद ओकरा वो खिलौना में से दिलचस्पी खत्म हो जावेला। ओकरा बाद वो खिलौना कमरा के कोनो कोना में पड़ल रह जाला। अम्मी जान, हमरा समझ में तो कुछ नहीं किया। जलाल के बेगम जोधा में दिलचस्पी तब तक रही जब तक वो ओकरा के पा न सकी, और अब जब वो बेगम जोधा के पा ले हैं तब जलाल के ओमे दिलचस्पी खत्म हो जाई। जरा सोची बेगम जोधा आमेर तक खास रहनी, आगरा में आम हो गई नी। अदहम दिमाग पे इतना जोर मत डाली, बस जे हो रहल बा ओके हो खेदी, काहे कि जे हो रहल बा बहुत अच्छा हो रहल बा। अब बेगम जोधा के खौफ से हमनी के छुटकारा मिले वाला बा, यही खातिर जा चैन से सो जाई। ठीक बा मैं जान, रवा कहता नहीं ता चल रहल बानी। दवाई अपन असर ना दिखा रहल, जोधा बेगम के जिंदगी बचावे के सिर्फ एक के रास्ता बा कि उनके होश लावल जाए, और एकरा खातिर उनके खून के गरम होखा बेहद जरूरी हा। अब इनकर मदद केवल इनकर शोहर यानी कि रउआ कर सकेले। जा कैसे आईनी
आपके हमरा सिवा यहाँ लावे के हिमाकत के कर सकेला। हमके मत छुई। इनके इनके दवा दे दिया। मोती, हमके तू सच सच बताइया, कल रात के हमरा साथ कोनो अनर्थ तो ना भइल ना? अच्छा, तो अब हम बताएं कि कल रात तुहरे और शहंशाह के बीच का भइल? तो ठीक बा, हम बतावत आने की का भइल? हम बतावत बानी रउआ के बेगम जोधा। वो का बाना, कल रात रउआ सही मायना में जलाल के बेगम बन गई। बहुत खुश बानी हम, हमार खुशी के गो छोट से नजराना कबूल कर ली। इजाजत बा। बहुत खुश बानी हम बेगम जोधा, कम से कम अब जलाल के रउआ में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। आराम करी रहुआ, जरूरत बा रहुआ के। खुदा हाफिज। खुदा के शुक्र बा शहंशाह, आसमान साफ बा, तूफान भी गुजर गई बा, आगे के रास्ता साफ बा। हुकुम करे, कब रवानगी चाहता नहीं रहुआ? शहंशाह, जोधा बेगम आपकी तबीयत खराब बा, इस तरह से आपके बाहर ना आवे के चाहत रहे। भीतर आई रहुआ हमरा साथ। कहीं जोधा बेगम जे हमरा पे बीतल बा, उ पीड़ा से तो हम कबो बाहर आ ही ना सका। बताई शहंशाह, का रउआ कल रात हमरा साथे? जोधा बेगम, आप ओकरा वक्त के जरूरत समझी या हमार मजबूरी पर हमके करे के? समय के नाते एकर आवश्यकता रहे और नहीं कोनो व्यवस्था जी एगो शहंशाह के अपन वादा तोड़े के पड़े का हो जात? अधिक से अधिक हमार मृत्यु हो जाता, हो जाए देती, लेकिन रवा अपन वादा काहे तोड़नी शहंशाह? बस जोधा बेगम, एगो शहंशाह के का करे के चाहिए, एगो शौहर के का करे के चाहिए, आप हमके मत समझाई। आपके जान बचावल हमार जिम्मेदारी रही और हम बस अपन जिम्मेदारी पूरा कर ले बानी। अपन वचन निभाएल भी एगो शहंशाह के उत्तरदायित्व हो खेला। बस एक बार कह दी कि रउआ ऐसा कुछ ना कही, हमके अपन मृत्यु के दुख ना होकत शहंशाह। बस हमीना चाहत रहनी कि हमरा साथे ओ भइल हो के जेकर अनुमति हम रउआ के ना देले रहनी। जोधा बेगम, हम शहंशाह बानी, हम केहू के इजाजत के बिना हम कुछ भी कर सकेली। हम ओ कहनी जौन जरूरी रहे, हम ओ कहनी जौन हमार मन कैलस, और अगर दोबारा जरूरत पड़ी तब वो हम करब और केहू हमके रोक ना सकेला। मुगलन के कारवा आगरा खातिर आगे बढ़त रहे और जोधा के मन में विचार के कारवा थमे के नाम ही ना लेत रहे। जोधा के बीत गए रात के एक पल भी याद न रहे। वो कौनो भी तरह याद करे चाहत रहे कि बीतल रात शहंशाह करे साथ कुछ न कह ले रहे, मगर जे बीत चुकल ओ के बदल पाइप न जोधा के बस के रहे न ओकरा ख्याल के।
आगरा से जलाल खातिर पैगाम लेके निकलल हरकारा भूल से राह भटक गई। मुगल कारवा से मिल ना पायलू, ऐसन का जरूरी पैगाम रहे जे आगरा से जलाल खातिर आयल रहे। अब तक खबर जलाल के आगरा पहुंच के ही मालूम पड़े वाला रहे। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब जब शहनशाह आवेले तो उनका अगवानी कैल जाला, इसे रास्ता ना रुकल जाला। आप सबके यहाँ देख के हम अंदाजा लगा सकेले कि वजह कोनो बड़ी बा। वजह बड़ भी बा और जायज भी। रियाया और उलेमा शहनशाह से उम्मीद रखेले कि मजहब के और शहरत के इज्जत करो। रहुआ जे आमेर में कहनी उसे हमनी के मजहब के ठेस पहुँचल बा। रउआ दोधा बेगम के साथे मंदिर गईनी। आपन मजहब के बेइज्जती कहनी, बुद्ध के सामने सर झुकौनी, उनके तरीका से इबादत कहनी और ये बात हमने के मजहब के खिलाफ है। माना तनी बादशाह सल्तनत में सबसे बड़ होखेला, मगर मजहब ओकरा से भी बड़ होखेला। बादशाह के भी मजहब के कदर करे के चाहिए और उकर हिसाब से चले के चाहिए। बादशाह के जिंदे इलाही कहल जाला, माने खुदा के अक्स। अगर बादशाह ही कुछ ऐसा करे जौनों से हमनी के मजहब और खुदा के मुखालफत होके, तो शहनशाह के तख्त पर बैठे के कोनो हक ना। या खुदा, जलाल के मंदिर जाए वाला बात यहाँ तक कैसे पहुँचल? आप सबके सवाल के जवाब बा हमरा पास। हम रुक जाएं जलाल, हम के बात करे दी। उलेमा और मौलवी साहब तारे गवाह बा, हिंदुस्तान में जब से मुगल सल्तनत के नींव रखल गयी तब से अब तक मरहूम शहंशाह बाबर से लेके हमार शोहर तक और जलाल भी हुकूमत सिर्फ मजहबी कायदा और शरीयत के हिसाब से ही चलेले बाड़े। बेशक मलिका आजम, और यही खातिर आज तक हमनी के यहाँ सबके सामने खड़ा होके के जरूरत ना पड़ल, मगर ये बारी जोन गलती कैले बाड़े ओके नजरअंदाज ना कल जा सकेला। ऐसे सिर्फ हम ना, पूरा आवाम खफावा और हमके खुदा के और आवाम के जवाब देवे के बाद, और यही खातिर शहनशाह के तख्त तक पहुँचे के बाद हमनी के लाश पर से गुजरे के पड़ी। शहनशाह के तख्त तक पहुंचे के बाद हमनी के लाश पर से गुजरे के पड़ी। हाँ, कहे कि रहुआ हमनी के रहते जलालुद्दीन मोहम्मद सल्तने मुगलिया के तख्त पे नहीं बैठ सका। मुआफ करी, कहे ना बैठ सकेले शहनशाह तख्त पे। हम पूछे चाहत बानी कि के रोकी शहनशाह के तख्त पे बैठे से? खातून महामंगा, रघुआ के ही मामला में दखल देवे के कौनो हक नहीं थे। हक बा, बेशक हक बा। हम भी उहे मजहब के सर माथा पे रखे नी जेकर नुमाइंदगी रघुआ करेले, और यही नाते हमार हक बा की हम भी अपन बात रखी। रघुआ औलिम बाड़े, औलिया बाड़े, सदर बाड़े, कामिल बाड़े, काजी बाड़े, दूर तक देखे वाला दूर देसी लोग बाड़े। रघुआ शहनशाह और रियाया के मजहब के रास्ता दिखाई, शहनशाह के रास्ता रोकब ना, राउल काम बस शरीयत देखब बगावत करल ना। ए तरह ई जगह शहनशाह के मुखालफत करल, ए बात के पैगाम देवेला कि रोवा शहनशाह के आपन समझे ले ही ना। अगर कोनो बात से ख्याल में टकराव बा तो बात के सुलझावे के तरीका मसलक बा बगावत ना। आप लोगन के रुतबा मर्तबा आला बा, रउआ सब लोग ही माने ले कि शहनशाह जिल्ले इलाही बाड़े, यानी कि खुदा के परछाई। ते एक बात रउआ के बता दी कि का शहनशाह कोनो भी बात पे खुदा के खुदाई की मुखालफत कैले बाड़े? जितना हम जानी ले शहनशाह अपन मजहब से और अपन खुदा से बे इंतहा मोहब्बत करे ले।
शहंशाह खुदा के परछाई बाड़े, वो खुदा नहीं खे इंसान बड़े, और गलती इंसान से ही हो खेले, और हो सकेला रउआ सब लोगन के नजर में शहंशाह गलती कई ले बाड़े, तो वो गलती के सीख दे के सुधार रउआ लोगन के फर्ज बा, ना कि जिद कई के सजा दे। हब ए तरह से जिद करके बगावत करके और सजा देके रउआ शहंशाह के और रियाया के अपना आप से दूर कर रहल बानी मोहतरम, और ई बात में हमके कौनो शक ना बा। एक बार शायद रउआ भूल सकेले, तो हम रउआ के याद दिला दी कि शहंशाह बानी तो हम नी बानी। हिंदुस्तान में मजहब के दम पे मुगल सल्तनत ना फैलल बा, शहंशाह के दम पे हिंद में ए नाम के परचम बुलंद भइल बा। हम रउआ सबसे मुआफी चाहतानी, एगो खातून होके हम रउआ लोगन से जिरह कर रहल बानी, एकरा खातिर खुदा हमके मुआफ करे। बाकी मुगल सल्तनत के वजीरे आलिया होके अगर आज हम अपन हक अदा ना कईली, तो उहे खुदा हमके दोजख में भी जगह ना दे। मोहतरम, रउआ सब मजहब के उलेमा बानी, मौलवी बानी, और ये तरह से रउआ लोगन के शहंशाह के रास्ता रोके के हक नहीं। हर रास्ता मजहब के रास्ता से होके जाला शमशुद्दीन साहब, माँ मंगा के बाद बेशक हमनी के राय एक बा, शहंशाह के जिम्मेदारी ये अवाम है, और आज अवाम भी हमनी के साथ बा। ये अवाम के सवाल के जवाब इनके देवे के होकी ना तो तख्त पर ना जा सकेले। या अल्लाह, ना जाने का होगी जलाल तक हमार पैगाम पहुंचल होगी कि ना, और वो मौलवी और उलेमा का करिए, हमके तो कुछ समझ में ना आ रहा। होशियार, का खबर लाइल बाड़ा? शहंशाह वो आ गए, लगता राउर पैगाम ना पहुंचल उनकर तक, और बेगम साहिबा बाहर शाही दरवाजा पे कोहराम मचल बा। या खुदा, अब का होगी? तू हमरे साथ चला। ठीक बा, हम जवाब देब। एगो सच्चा मुसलमान का करेला, ओकर का फर्ज बाई, हम आप ही लोग से सिखले बानी। हम अब भी वो एक खुदा पे यकीन करेली, दिन में 5 बार नमाज अदा करेली, जकात देवेली, कुरान शरीफ के हर एक लफ्ज हमरा खातिर हरफे आकर बा। हम बादशाह के तौर पे हर सियासी फैसला शरीयत के मुताबिक लेनी, तो बताई हम अपन फर्ज कहाँ ना निभाएंगे। मजहब खातिर फर्ज निभावे के रहुआ खुदे मजहब के बुला गई नी। हमने के यहाँ बुत परस्ती मना है, गैर मजहब के तौर तरीका अपनावल गुनाह बा, और वो गुनाह रहुआ कैले बानी। मंदिर में जाइल गुनाह रहे, वहाँ बुत के सामने सर झुकावल गुनाह रहे, तही बात बा। ठीक बा, तब हम आपसे कुछ सवाल पूछा बा। जैसन के हमके बताइल गेल, हमके अच्छा तरह से याद बा के हमार जन्म कहाँ भइल, हमार पहला सालगिरह खातिर दुआ कहाँ मांगल गेल रहे, तो जनाब का आपके याद बा के उ आप ही रहली जे हमरा खातिर दुआ कइले रहे? बेशक अच्छा तरह से याद बा, हम ही रउआ के खातिर दुआ कइले रहनी है, तबर्रुक तकसीम कइले रहनी। तो जनाब याद फरमाई के उ जगह कौन रहे? उमर कोट। और आपके याद बा कि हमार पहला सालगिरह पे आप कहाँ दुआ मांगले रहली? मंदिर में। तो जनाब हमार सर तो मंदिर में पहले से ही झुक गए रहे। जहाँ दुआ मांगे आए लहले हुए गो हिंदू राजा के मंदिर रहे, कहे कि अगर ही गुनाह बा तो उसका शुरुआत आप ही से भइल रहे, कहे कि आप ही मंदिर में जाके हमरा खातिर दुआ कइले रहनी। जनाब कोनो मजहब के ताल्लुक जमीन से ना हो खेला, मजहब दिल से मानल जाला, और एक खुदा दिल में बसेला, और खुदा के नूर आज भी हमरा दिल में बा, बस फर्क इतना बा कि आपके आंख पे पर्दा गिर गई बा और आप नूर के देख नहीं के पावत। अगर आप सबके इजाजत होके तो हम अंदर जा सकेली। और दिल साफ बा, बाकी फिर भी रउआ से गलती भइल बा, और ओके ठीक करे खातिर रउआ के एगो काम करे के होखी। जे कुछ भी भइल ओकरा पीछे के वजह बेगम जोधा रहली। ना हो जाती ना रउआ जाती, ऐसे गुनाह के मिटावे खातिर
रउआ के बेगम जोधा से इस्लाम कबूल करावे के होखी, इहे वो रास्ता बा। मुआफ करी हर मजहबी मुआमला इत्मीनान से हल करल जाले मोहतरम, और इन नेक काम के अंजाम देवे खातिर ना तो सही जगह बा और ना ही सही मौका। हमारे इल्तजा बा हमने के एक रात के वक्त देहल जाए। वजह फरमाओ तो नहीं बड़ अम्मी, हम ये बात के फैसला दीवाने खास में करब। हम चाहता नहीं आप सब वहां मौजूद हो। सीना में कौन से तूफान लेके आइल बड़ा अदा हम? तूफान तो रहुआ खड़ा के नहीं अम्मी जान, यह युग मौका रहे। सारा मौलवी सारा उलेमा सब जलाल के खिलाफ रहलन, आज जलाल के तख्त छीनल जा सकत रहे अम्मी जान, हमार ख्वाब पूरा हो सकत रहे अम्मी जान, मगर रहुआ हमार साथ ना देनी। रहुआ जलाल के तरफदारी करी अम्मी जान, काहे रहुआ तो हमके बादशाह बनल देखल ही ना चाहा। बेशक अदहम हम रहुआ के तख्त पे बैठल देखे चाहिनी, अल्लाह जानेला हम अपने बेटा से कितना मोहब्बत करेनी। बाकी जलाल से हमार मोहब्बत पे हमके शक नहीं खे। हाँ अदहम हमारी ख्वाब बा कि रउआ सल्तनत मुगलिया के तख्त के संभाली, बाकी एक ख्वाब के हकीकत में तब्दील करे खातिर जलाल के तख्त से उठा के फेंक दिहल जाए, ई हमके मंजूर नहीं के। रउआ शायद भूल सकेले बाकी हम ही कब ना बुलाए कि आज हम और रउआ जे कुछ भी बानी वो जलाल के वजह से बानी। रउआ सुबेदार बानी और हम सल्तनत के वजीर आलिया, वो सिर्फ और सिर्फ जलाल के वजह से, वरना हम दोनों के औकात एगो बानी और गुलाम से ज्यादा के ना बा। और ये बात के का जमानत बाद हम कि जलाल के तख्त से हटेला के बाद मौलवी और उलेमा रउआ के ही तख्त पे बिठाई थे ना दहम। रोज बादशाह बने के ख्वाब देखत रहले रउआ, यही तरह ख्वाब देख के बादशाह बनल जात तो सारा आवाम बादशाह बन जात। बादशाह बने के बाद बादशाह के तरह कुछ काम करी, ऐसा कुछ करी ताकि राउर वालिदा के भी लगे कि हाँ हमारे बेटा जलाल से भी ज्यादा काबिल बात तक पे बैठे खातिर। सच बात ये बाकी रउआ सिर्फ गुस्सा के एगो गोला मारे जे गिर जाई और बिखर जाई, राउर कौन औकात नहीं के। बहुत अच्छा कहनी रउआ जे अपन होश और हाथ के काबू में कर लहनी। शायद रउआ भूल गई बानी कि हम राउर वालता बानी। बाकी एक बात याद रखी, जलाल ना ही कबो भूलेला और ना ही कबो भूली कि हम उनकर बड़ अम्मी बानी और ओ तो हमके बड़ी अम्मी कहेले, राउर वालता बानी हम। एक बात कौन खोल के सुन ली रउआ, राउर वालता होखला के साथ साथ मुगल सल्तनत के वजीर आलिया भी बानी हम। अगला बार रउआ हमरा साथ एक गुस्ताखी करे के कोशिश कैली ना अदहम और जलाल के ये बात के खबर लागल तो हम चाह के भी ओकरा कहे से रउआ के बचाना पाईब। एहे सिख देले बानी हम रउआ के वाला पे हाथ उठा रहल बानी रउआ, बदतमीज होकला के साथ साथ जलील भी हो गई बानी रउआ। अब दफा हो जाई हमारा नजर से, जाई यहाँ से।